पढ़ा हूँ इस नाते मध्य प्रदेश मेरे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे विकास के काम है। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि मध्य प्रदेश को निमाड़ू राज्यों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो इसलिए आने वाले समय में यहाँ पर जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार की नई योजनाएँ यहाँ पर सरकार ने चलाई हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर अनेकों अभूतपूर्व रूप से 9 सालों के अंदर काम हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस नाते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी और देश के साथ साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज पूरी देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, वो मध्य प्रदेश के लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, विपक्ष एक हो रहा है, महागठबंधन बनाया जा रहा है, उन्हें 2024 का मिशन लेके चल रहे हैं। विपक्ष पहले से भी एक था, कोई ऐसी बात नहीं है, और विपक्ष का ठीक ऐसे ही है जैसे कि बरसात आती है तो बरसात के समय में सारे जो जंगल में रहने वाले जितने भी सांप बिच्छू नेवला हैं, केकड़ा मेकड़ा सारे एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से विपक्ष का भी है। वो बरसात के भय से इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने काम किया है तो उसके कारण से सब उनकी एका दिखाई दे रही है, लेकिन उनके आगे चलने वाला कोई नहीं है। सर, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और आज शिक्षा पूरे, पूरे पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आगे बढ़ी है और जहाँ 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, और कोरोना जैसी महामारी में जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में देश के लोगों को 2 टाइम का भोजन मिला।